हेलो गाइस, मेरा नाम हसान सिद्दीकी। मैं फ्रेगरेंस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे परफ्यूम के बारे में जो कि काफ़ी अच्छे हैं और 1000 रुपये के अंदर आते हैं। अब देखिए, बहुत सारे परफ्यूम हैं जो इस प्राइस के अंदर आपको मिल जाएंगे, 1000 रुपये के नीचे मिल जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि लिस्ट बनाने के चक्कर में कुछ भी आपको बोल दूँ, आप जाके कुछ भी ख़रीद लें और फिर बाद में आके आप डिसअपॉइंट हो जाएं, तो ये मैं चाहता नहीं हूँ। इसलिए मैंने बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस आज तक टेस्ट किए हैं और मैं उन्हीं के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ जो एक्चुअली मुझे अच्छे लगे। और इसमें से कई सारे परफ्यूम जो हैं वो उनकी MRP बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी वो या तो सेल पर चल रहे हैं या फिर किसी जुगाड़ से वो 1000 रुपये के अंदर ही मिल रहे हैं। तो लिंक जो है मैं इन सारे प्रोडक्ट्स की इनकी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लीजिए। आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, जितने भी सोर्सेस हैं वो सारे लीजिट हैं, कोई आपको फेक वेक नहीं मिलेगा और आप इनको आराम से यूज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो परफ्यूम है हमारे लिस्ट में, इसका नाम है मरियम। अब मरियम जो परफ्यूम है ये आता है एक ब्रांड की तरफ से जिसका नाम है इब्राहिम सूर्या फरूद, और ये जो है मुंबई बेस्ड ब्रांड है। इस परफ्यूम को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, कम से कम 4 साल से। 4 साल पहले मैंने ये परफ्यूम जो है सऊदी अरेबिया में मंगवाया था और तब से मैं इस परफ्यूम को यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरे मुझे लगता है दूसरी या तीसरी बॉटल होगी। बहुत अच्छा परफ्यूम है। तो कुछ ये इस तरह के बॉक्स में आता है, बहुत ही खूबसूरत। अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है, और इसके पीछे इन्होंने 2500 रुपये इसकी MRP लिखी हुई, लेकिन नंबर जो मैं दे रहा हूँ वहाँ पे आपको ये 1000 रुपये का पड़ेगा, शिपिंग के साथ शायद ये आपको 1100 रुपये का पड़े। तो कुछ इस तरह का इसका बॉक्स है, इसके अंदर बॉटल रखी होती है, कुछ इस तरह से खुलता है। और इस तरह की इसकी बॉटल है, 100 ml बॉटल है, और कैप जो है इसका प्लास्टिक ही है लेकिन काम चल जाता है। तो ये जो परफ्यूम है इसको आप स्मेल करेंगी, ये एक्चुअली ये परफ्यूम है, ये फीमेल्स के लिए बनाया गया, लेकिन जिनका टेस्ट हर चीज़ में है वो उनको ये सब दिक्कत नहीं होती, जैसे कि मैं कुछ भी लगा लेता हूँ, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो परफ्यूम है इसको अगर आप स्मेल करेंगे तो ये एक फ्रूटी, फ्लोरल और वाटरी काइंड ऑफ फ्रेगरेंस, वाटरी किस तरह से मैं बोलूँ, ये फ्रूटी भी है, फ्लोरल भी है, और साथ में इसका मस्क का भी नोट आता है, इसके अंदर रोज़ का भी एक नोट है। लेकिन ऐसा लगता है कि जितने भी फ्रूट्स हैं या फ्लोरल हैं बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है, ऐसा लगता है जैसे ये पानी में पड़े हुए हैं फूल और ये फ्रूट्स, और उससे इसकी स्मेल उठ के आ रही। तो कुछ इस तरह का ये फ्रेगरेंस है, बहुत बढ़िया लगता है मुझे ये। जैसे कि मैंने बताया कि तीसरी या चौथी बॉटल है, मैंने कई सारे लोगों को इस ये परफ्यूम सजेस्ट किया है और कई सारे लोगों ने इसको बहुत सारी बॉटलें भी ख़रीदी हैं। तो ये था मरियम, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर इनका मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इनसे ले सकते हैं। इस परफ्यूम की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 7 से 8 घंटे आराम से स्किन पे रुकता है, कपड़ों पर तो ये नेक्स्ट डे तक रहता है, क्योंकि इसकी जो स्मेल है कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा देर तक रहती है। और इवन ये जो एयर में भी काफ़ी अच्छा स्मेल करता है। इसके साथ एक ख़ास चीज़ ये है कि जिस रूम में मैं इसको लगा के जाता हूँ, थोड़ी देर के बाद भी अगर आना हुआ तो उस रूम में इसकी स्मेल रहती है। तो इसकी स्मेल जो है काफ़ी लीनियर है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क फ्रेगरेंस नहीं लगाते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो ये था इस लिस्ट में सबसे पहला परफ्यूम मरियम। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे परफ्यूम की, और इसका नाम है विलन ऊद। अब सबसे पहली बात ये है कि ये जो बॉटल है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब विलन के मैंने सारे परफ्यूम ट्राई किए हुए हैं। इनका एक अभी नया परफ्यूम आया है विलन द जोकर करके, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये जो बॉटल है, अगर आप किसी को बोलोगे कि ये 1000 रुपये का परफ्यूम है, कोई मानेगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। इसका ये डब्बा है, बॉक्स है, ठीक ठाक है, स्टैंडर्ड बॉक्स है, लेकिन काफ़ी अच्छा दिखता है। और ये जो परफ्यूम है इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि एक नॉर्मल ब्रांड जिनके फ्रेश परफ्यूम बहुत चल रहे हैं, $1 बिलियन कंपनी बन गई है, लेकिन उन्होंने कुछ नया ट्राई किया है और ऊद का नाम चेप दिया इस पर। ये ऑल दो ऊद नहीं है, इसको स्प्रे कर लेते हैं। इसका स्प्रेयर टाइम के बाद थोड़ा ख़राब हो गया, लेकिन ओवरऑल बॉटल बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। जिस हिसाब से परफ्यूम मिल रहा है ये मुझे लगता है 700 या 600 के करीब मिलता है। तो इस परफ्यूम को अगर आप स्मेल करेंगे, इसमें आपको स्ट्रांगली एम्बर, स्पाइस, वुड्स की स्मेल आएगी। ऊद तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन जो एक वुडी कैरेक्टर है काफ़ी अच्छा है, इसका स्ट्रांग है। और इसकी जो परफॉर्मेंस मुझे मिलती है 8 से 10 घंटे आराम से, तो इस तरह की परफॉर्मेंस है। ये ज़्यादा अच्छा है विंटर के लिए और हल्की फुल्की जब गर्मी चल रही हो तभी, या फिर अगर आप AC में रहते हैं तो इसकी जो परफॉर्मेंस है अच्छी मिलेगी आपको, और इसकी जो स्मेल है वो भी काफ़ी सही लगेगी, वरना गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीट में बहुत ही अलग स्मेल करेगा।
ऑन द अदर हैंड ये जो परफ्यूम है आप इसको मेरे हिसाब से गर्मी सर्दी कभी भी लगा सकते हैं। सर्दियों में इतना अच्छा खिल के नहीं आता है लेकिन गर्मियों में बहुत अच्छा स्मेल करता है। तो ये बात थी हमारे ये विलनूद की। तो जैसे मैंने बताया कि इसकी लॉन्जिविटी भी काफ़ी अच्छी है, इसकी प्रोजेक्शन भी काफ़ी अच्छी, मतलब आसपास के लोगों को पता चलता है कि आपने कुछ लगाया है। ये परफ्यूम उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जो थोड़े से जिनकी मैच्योर नोज़ है, नॉर्मल जिन लोगों को फ्रेश परफ्यूम पसंद है लगाना उनको शायद इतना अच्छा ना लगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक डिफरेंट टेक है। अगर आपको नॉर्मल फ्रेश परफ्यूम्स लगाने पसंद है तो शायद ही आपको अच्छा नहीं लगेगा। बात करते हैं तीसरे परफ्यूम की और इसका नाम है विस्की स्मोक। इस परफ्यूम के बारे में मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी और ये जो परफ्यूम है एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जिस प्राइस पे मिल रहा है, 500 से 600 रुपए के अंदर ये मिल जाता है और 100 ml की बॉटल है। बहुत अच्छी इसकी सेंट प्रोफाइल है, मतलब जिस तरह का ये परफ्यूम है एक्चुअली आपको काफ़ी महंगे जो परफ्यूम होते हैं उनकी स्मेल होती है इस तरह से। इनिशियल काफ़ी एक सिंथेटिक ब्लास्ट आता है अल्कोहल का, लेकिन वो भी ख़त्म हो जाता है बहुत जल्दी। और इसकी जो स्मेल है, इन्होंने इसमें बताया हुआ है कि विस्की है और सिगार का नोट है, स्मोक वगैरह ये सब, तो वो एक्चुअली आपको फ़ील होता है क्योंकि जैसे ही आप इसको स्प्रे करोगे आपको बहुत ही आइसी सी फीलिंग आती है, जो कि मुझे लगता है विस्की का नोट है, इन्होंने बताया हुआ है। अब हम तो पीते नहीं तो हमें इतना आइडिया नहीं है कि क्या है, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि एक फ्रेश सी स्मेल है, उसके पीछे एक आपको हल्की सी टोबैको की नोट आएगी, वुडी सी नोट आएगी, जो कि बाद में एक हल्की सी स्पाइसी मस्की सी स्मेल हो जाती है। परफॉर्मेंस जो है इस परफ्यूम की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, 4 से 5 घंटे मिलती है, लेकिन जिस प्राइस पर मिल रहा है आप क्या ही कंप्लेन करेंगे, दबा के लगाइए। तो ये था हमारा तीसरा परफ्यूम जिसका नाम है विस्की स्मोक बाय बियर्डो। कुछ इस तरह का इसका बॉक्स है, स्टैंडर्ड सा लेकिन ठीक ठाक है, काम अपना जो है वो निकल आता है। फिर हमारा चौथा परफ्यूम जो है इसका नाम है टी रोज़, और ये जो है हमारा सबसे पहला परफ्यूम था जिसको हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार यूज़ किया था, और आज भी इसको स्प्रे करते हैं तो एकदम वो बचपन वाली याद आ जाती है। स्प्रेयर भी इसका ठीक है, प्लास्टिक का ये जो है स्प्रेयर है, 60 ml की ये बॉटल है, और ये आपको भी आराम से 850 से लेके 1000 रुपये के अंदर मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कहाँ से आपको परचेज़ करना है। और इसका जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह से दिखता है, फोकस कर जा भाई। हाँ, तो ये इसका बॉक्स हो गया। और ये जो परफ्यूम है इसमें आपको मेन जो नोट मिलेगा वो रोज़ का मिलेगा, लेकिन रोज़ से पहले आपको एक फ्रेश पाउडरी टाइप की एक सिट्रसी स्मेल मिलती है, थोड़ी सी ऐसी लगती है कि लेमन लेमन की है। अब मेन जो है इसमें है रोज़ का नोट, रोज़ काफ़ी मैस्कुलिन है, ऐसा एकदम फेमिनिन रोज़ नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसको लगा तो दोनों लोग सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी लगा सकता है। लेकिन इसकी जो प्रोफाइल है मुझे लगता है कि वाइट शर्ट पे ऐसा काफ़ी अच्छा फील होता है, ऑफिस में लगाया जा सकता है ये परफ्यूम, और शादी वादी में कभी भी लगाइए कि इसकी जो प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छी है, बहुत सही परफ्यूम है। जिन्होंने जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तो काफ़ी सारे लोगों ने बताया था कि ये भाई हमने लिया है और काफ़ी अच्छा लगा, तो ये सुन के हमें काफ़ी अच्छा लगा था कि बहुत सारे लोगों ने इसको परचेज़ किया और अप्रिशिएट भी किया। तो ये था हमारा चौथा परफ्यूम, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और सबसे आखिरी जो हमारा परफ्यूम है और ये है 1965 बाई सलमान खान। तो ये है इसका बॉक्स, इसके ऊपर 1965 लिखा है, पीछे सलमान भाई मुस्कुरा रहे हैं, और ये है एक 100 ml की बॉटल। अब ये जो परफ्यूम है ये एक्चुअली एक काफ़ी महंगे परफ्यूम से इंस्पायर्ड है, क्रीड अवेंटस नाम है उसका, और वो परफ्यूम की जो बॉटल है 20-25 हज़ार रुपये की 100 ml आती है, तो काफ़ी महंगा परफ्यूम है, बहुत सारे क्लोन बनते हैं उसके, और ये उसका एक क्लोन ही है, लेकिन बताया नहीं गया है। वो बोलते हैं कि भाई ये हमने एकदम ओरिजिनल परफ्यूम बनाया है, जो कि सच बात नहीं है। तो ये कवेंटस का क्लोन ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है चीज़ें, इसमें अलग यूज़ हुई हैं। तो इसको अगर आप स्मेल करेंगे मेनली आपको एक फ्रेश सा ब्लास्ट आएगा, कोई सिट्रस का नोट है, उसके बाद इसमें वुडी हल्का सा लेदर का भी टच आता है, वाइट मस्क का काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है, लेकिन वो सब बैकग्राउंड में। इनिशियली आपको एक फ्रेश सिट्रसी सी स्मेल आती है जो कि काफ़ी अच्छी है। और ये जो परफ्यूम है मुझे, आप अगर देख सकते हैं इसका लेवल देखिए, 2 महीने हुए हैं मुझे ये परफ्यूम खरीदे हुए आई थिंक, और मेरे ऑफिस में जितने लोग हैं सब ये परफ्यूम बहुत दबा के लगाते हैं क्योंकि उनको ये इतना पसंद है। ये परफ्यूम जो है ये 2100 से 2200 रुपये की इसकी MRP है, लेकिन ये परफ्यूम जो है मिंत्रा पे 500 कुछ रुपए का, 600 कुछ रुपए का, 1000 रुपए का, ये ऐसे मिलता रहता है। तो ये अभी जो है अभी के टाइम पे आपको 600 कुछ रुपए का पड़ेगा,
इसको परचेज़ कर लीजिए। ये जब लॉन्च हुआ था तो विंटर में हुआ था और लोगों को इतना अच्छा नहीं लगा था क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस इतनी नहीं मिल रही थी, क्योंकि जिस तरह की नोट प्रोफाइल है उसमें जो है सर्दियों में इसकी परफॉर्मेंस नहीं मिलती, गर्मियों में बहुत अच्छा टिकने वाला है ये परफ्यूम। तो ये परफ्यूम जो है आप ज़रूर ट्राई करें। इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, मतलब मुझे जो है 6 से 8 घंटे आराम से मिलती है स्किन पर, कपड़ों पर भी ये ठीक ठाक रुकता है। मतलब अगर आपने आज लगाया दूसरे दिन भी आप इसकी स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं शर्ट में, तो कुछ इस तरह का बढ़िया परफ्यूम है ये। तो ये कुछ 5 ऐसे परफ्यूम थे जो बजट में काफ़ी अच्छे परफ्यूम्स हैं, आप इनको ट्राई करिए। और अगर आपने इनमें से कुछ परफ्यूम ट्राई किए ऑलरेडी तो मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो पर कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।